हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टिक से वायर। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जानने वाले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, ऐसे एजुकेशनल और टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका लिंक है प्लेलिस्ट का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर एडमिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन केस अगर आपको उस कॉलेज का रिव्यू नहीं मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस कॉलेज पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, तो इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 2016, मतलब है हाल ही में अभी कॉलेज जो है ये बनाया गया है। लोकेशन है इसकी न्यू खापरी नागपुर। अफिलेटेड है राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से। एडमिशन मोड ऑफ एडमिशन है MST CET JEE में। स्टेटस गवर्नमेंट ऑटोनॉमस है। फीस इसकी है ओपन कैटेगरी के लिए 27,461, ओपन OBC SC VJNT कैटेगरी के लिए 10,846 रुपीज़। हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है, हॉस्टल की फीस जो है वो है 3,000 रुपीज़। बात करते हैं फ्रेंड्स, ये कॉलेज कौन से ब्रांचेस हमें ऑफर करता है। तो ये कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक कॉलेज हमें ऑफर करता है ए ब्रांचेस। तो फ्रेंड्स, इस कॉलेज का अगर हम कट ऑफ देखें तो आपको जो है ब्रांच वाइज यहाँ पे कट ऑफ दिखाया गया है और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो यहाँ पे कट ऑफ है ओपन के लिए 99, कंप्यूटर साइंस का है 135, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है 105, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है 109 एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है 97। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स के लिए अलग से कट ऑफ है और यहाँ पे अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स के लिए अलग सा कट ऑफ है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो या फिर ये PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ है ये 2018-19 का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको पूरे कास्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है कट ऑफ। तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके देख सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट करंटली नो बैच इज पास आउट, सो ऑफिशियल प्लेसमेंट स्टार्ट आर नॉट अवेलेबल और प्लेसमेंट कैन बी गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जिस इस कॉलेज का ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मैंने बताया आपको 2016, तो जबकि इसकी पास आउट की जो बैच है वो 2020 में निकलने वाली थी, मतलब पिछले साल, बट कोरोना के सिचुएशन के वजह से जो है यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुए। तो आपको तो पता ही है कि कोरोना की वजह से जो है सभी जो है बंद है, तो इस वजह से इस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुए। और फ्रेंड्स, अगर इस कॉलेज में प्लेसमेंट होते भी तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट होते, क्योंकि पूरे नागपुर में इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इस वजह से बेस्ट कॉलेज है। अगर आपको ये कॉलेज मार्क्स अच्छे और आपका कट ऑफ मार्क्स आपके हाई आते हैं और आपको अगर ये कॉलेज मिलता है तो इट कैन बी गुड कॉलेज। और फ्रेंड्स, अगर आप PDF को किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, और इंजीनियरिंग की कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो या फिर इंस्टा पे हमें फॉलो करके वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।